तो रायन मूवी को सिनेमाघरों में चलते हुए भी 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं इसके बाद मूवी को कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और कब रिलीज किया जाएगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो रायन मूवी को 26 जुलाई से सिनेमाज में रिलीज किया गया और ऑडियंस को ये एक्शन क्राइम फिल्म काफी पसंद आ रही है, जिसकी वजह से अब तक इस फिल्म ने 126.75 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है। वहीं से बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे हैं और फिल्म की स्टार कास्ट में धनुष के अलावा एस जे सूर्या, प्रकाश राज और संदीप किशन लीड रोल में परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही धनुष की लीड एक्टर के तौर पे 50वीं फिल्म है। अब बात करते हैं कि रायन फिल्म को कब और कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। हालांकि अभी तक इस मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, तो इसे अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जा सकता है। OTT अनाउंसमेंट फिल्म की कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद बताई जाएगी। वहीं इस महीने ये फिल्म सिनेमाघरों में ही चलने वाली है और सितंबर के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो सकता है कि इसे कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही रायन 2024 की तमिल हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में दूसरे नंबर पे आ चुकी है। वहीं पहले नंबर पे अभी भी इंडियन 2 फिल्म है, जिसने 148 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपको क्या लगता है कि रायन इंडियन 2 मूवी का कलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तो इसी तरह की मूवीज और सीरीज अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।